देखिए पिछले बार भी अमित शाह जी आए थे, बस्तर में भी अमित शाह जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी आए थे। मैं कहना चाहता हूँ जेपी नड्डा साहब अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ आके क्या बचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक को भारतीय एक तरफा हम जीत दिलाया। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार, केंद्र सरकार, उनके पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पूरे लगे थे 2 महीने तक, मगर वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ में भी आने से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पूर्व के हमारी सरकार आने के बाद लगातार हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। हमारी सरकार ने जो मुद्दे थे आदिवासी समाज के, पेशा कानून, पंचायती राज और कई विषय थे, उसमें हमारी सरकार ने किया। इसीलिए हमने देखे 29 आरक्षित सीटों में हम 27 जीते हैं, 3 सामान्य सीटों से जीते हैं, 30 हमारे आदिवासी विधायक हैं। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हमारे विधायकों का योगदान है। हम छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। जब जब केंद्र में भी सरकार में रहे, छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे, आदिवासियों के लिए अगर कोई योजनाएं बनाती है तो कांग्रेस पार्टी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद 2 आदिवासी सीटों में सिमट गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का हासिल क्या है आप सब लोग देख रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय समय पर हमारे पदाधिकारियों को हम लोग प्रभार चेंज करते रहते हैं, किसकी कहाँ आवश्यकता होती है उसको हम देखते हैं। और अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को दृष्टि रखते हुए किसकी कहाँ उपयोगिता है, कौन व्यक्ति संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकता है, उसके लिए हमने परिवर्तन किए हैं। माननीय शैलजा मैम जी का पत्र आया है, उसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जी होता है हाईकमान जिसको तय करेगा, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।